अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, प्रोग्राम किसान की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान साइम रशीद हाज़िर है। आज का हमारा मुख्तसर सा प्रोग्राम पाकिस्तान में कॉटन की रिवाइवल के ऊपर है कि कॉटन की कपास की फसल पाकिस्तान में दोबारा बेहतरी की तरफ गामजन है। किसान न्यूज़ की टीम ने पिछले हफ्ते मुल्तान का दौरा किया और हमने जिसमें अपनी फाइंडिंग्स, अपनी चीज़ें जो मैं ऑब्जर्वेशन की, मुशाहिदा की है, उसमें नज़र आया कि महकमा साउथ पंजाब में एग्रीकल्चर महकमे ने इस साल कॉटन यानी कि कपास की फसल के ऊपर IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम को लॉन्च किया। इसमें उन्होंने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि केमिकल दवाइयाँ, जहरीली अदवियात या पेस्टिसाइड के स्प्रे से बचा जाए। उसके बजाय उन्होंने नीम ऑयल, कोर्थिमा, तंबाकू के बायोलॉजिकल स्प्रे या ऑर्गेनिक स्प्रे से फार्मर्स को, उनको कैंपेन चलाई, उनको इस बात पे कायल किया कि उनके स्प्रे करवाएं और 90 दिन तक किसी भी केमिकल स्प्रे से अपनी फसल को महफूज रखें। इसके हैरानकुन असरात बरामद हुए और हैरानकुन असरात ऐसे बरामद हुए कि 90 दिन तक फार्मर्स ने, जिन्होंने अगेती काश की थी, किसी भी किस्म का सिंथेटिक स्प्रे नहीं किया था, उन्होंने पहली चुनाई 10 से 12 मन ले ली और उनकी फसल शुरू से नीचे से ही उस पर टिंडे थे, उस पर बॉल बने हुए थे और पैदावार बहुत अच्छी रही। और इस साल तवक्को की जा रही है कि औसत पैदावार जो कपास की पिछले साल 14-15 मन पे आ गई थी, इस साल बेहतर होकर फी एकड़ पैदावार 30 मन तक पहुंच जाएगी, जो कि एक शानदार कामयाबी है पाकिस्तान की ज़राअत साउथ पंजाब में। और इसका क्रेडिट जाता है बहुत ज़्यादा सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साउथ पंजाब साकिब अली अतील साहब को। साकिब साहब से भी मेरी मुलाकात रही, उसमें उन्होंने IPM को बड़ी वजाहत से बताया और उन्होंने बताया कि IPM को हम मज़ीद फर्दर बढ़ा रहे हैं इस प्रोग्राम को। कॉटन में, कपास में इसकी सक्सेस के बाद हम इसको आगे लेकर जा रहे हैं आम के ऊपर, मकई के ऊपर और धान की फसलों पे। साकिब अली साहब ने मज़ीद बताया कि वो अपने स्टाफ की ट्रेनिंग्स के लिए इसमें अरेंजमेंट करवा रहे हैं कि उनका स्टाफ जो उनसे है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल जो उनसे पेस्ट मैनेजमेंट है, जो किसी आम उर्फी आम में IPM कहते हैं, उसमें खुद भी ट्रेंड हो, फार्मर को भी इसकी ट्रेनिंग दे। आप सब दोस्तों को याद होगा, आज से कोई 5 हफ्ते पहले किसान न्यूज़ के ऊपर हमने एक प्रोग्राम किया था नीम के करिश्माती असरात का। बेसिकली वो IPM ही था। नीम जो सा है इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन नेचुरल पेस्टिसाइड, कुदरती जहर है जो कि पेस्टिसाइड, आप जहर नहीं कह सकते, ये बेसिकली नेचुरली आंसर है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव करदार अदा करता है मुख्तलिफ किस्म के पेस्टिसाइड, पेस्ट कमांड कीड़े ज़रर सा कीड़ों के ख़िलाफ़, सुन्नियों के ख़िलाफ़, आपके बीमारियों के ख़िलाफ़, जिसमें पौधों के ऊपर 600 से ज़्यादा हशरात की मुख्तलिफ किस्म है मुख्तलिफ फसलों के ऊपर, जो कि नुकसानदेह काउंट होती हैं, जिनको शुमार किया जाता है। नीम का मुख्तलिफ तनासब के साथ अगर नीम ऑयल का या नीम की पेस्टिसाइड बना के उसके ऊपर स्प्रे करवाया जाए तो बेहतरीन कंट्रोल मिलता है। हमने उसमें रिक्वेस्ट की थी, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कॉल की थी, आवाज़ उनको पुकारा था हमने कि जनाब आप इस पर तवज्जो दें और पाकिस्तान में नीम की बड़े पैमाने पे काश की जाए। फार्मर्स को हमने तलकीन की थी कि आप अपने हर एक एकड़ के हिसाब से कम 2 से 4 दरख्त नीम के ज़रूर लगाएं ताकि आप अपनी पेस्टिसाइड खुद तैयार कर सकें, आपकी क्रॉप टर्माइट से, दीमक से, तमाम हशरात से, रस चूसने वाले कीड़ों से, कुत्र के खाने वाले कीड़ों से और बीमारियों से महफूज रह सकती है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में IPM का प्रोग्राम मज़ीद तरक्की करेगा और साउथ पंजाब मौजूदा सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साकिब अली अतील की ज़ेर सरपरस्ती में इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली ना सिर्फ आगे बढ़ाएगा बल्कि इसके अंदर नए मयारात का भी तय्यून करेगा और फार्मर्स के लिए बेहतरी इसमें आएगी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।